हे गाइज, वेलकम बैक। एक और मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सबके सामने आ गया हूँ। आप में से किसी एक भाई ने मुझसे पूछा था कि जो टाटा पंच के साथ जो बैक कैमरा हमें मिल रहा है वो कैसे काम करता है। तो बैक कैमरा के रिगार्डिंग आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि टाटा पंच के साथ जो बैक कैमरा मिल रहा है वो कैसे काम करता है। उसके साथ साथ जो हमें पंच में दो सेंसर मिल रहे हैं पीछे की तरफ, उनका रिस्पांस कैसा है वो भी इसके साथ ही कवर कर लेते हैं। तो आज मैं दो चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा कि जो टाटा पंच का बैक कैमरा है और सेंसर है वो कैसे काम करते हैं। तो उसके साथ ही मैं एक चीज़ और इसमें बताऊंगा कि टाटा पंच में एक पार्क असिस्ट करके एक फीचर इन्होंने दिया हुआ है, तो वो पार्क असिस्ट फीचर क्या है, वो कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, लगभग शाम के 5:45 बजे हुए हैं और मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। तो पहले मैं पार्क असिस्ट जो इसमें फीचर आता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देन मैं थोड़ा सा इसमें अभी अभी उजाला है तो दिखा देता हूँ कि आपको इसका बैक कैमरा उजाले में कैसा काम करता है। देन उसके बाद नाइट में इसका बैक कैमरा कैसा काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल पार्क असिस्ट जो फीचर आता है उससे शुरू करते हैं। तो इसको मैं नेविगेट करता हूँ। तो ये पार्क असिस्ट में जैसे मैं गया, तो पार्क असिस्ट में देखिए ये आपको पीछे का व्यू दिखाता है, यानी कि कैमरा जो है कि वो चालू हो चुका है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है, जब आप गाड़ी आगे को ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे का व्यू भी आप इसमें ऐसे देख सकते हैं। कुछ भी आप पीछे देखने जाते हैं तो चलती हुई गाड़ी में आप ये पीछे पार्क असिस्ट के जरिए इसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अब देखिए, जो ये पार्क असिस्ट है ये आता है एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। तो ये देखिए, जैसे मैं इसका ये स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ तो ये हमको बता रहा है। तो ये जो बताता है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, बहुत सही बताता है। इसका जो ये फीचर काम करता है बहुत सही काम करता है। इसका बैक कैमरा भी बहुत सही से काम करता है। जब मैं बैक गियर डालूँगा तो उसमें भी यही व्यू आपको सेम दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बैक गियर डाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आ जाता हूँ बाहर, यहाँ से ये बाहर आ गया। अब मैं एक बार बैक गियर डाल देता हूँ, बैक गियर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रिवर्स गियर है, तो सेम व्यू दिख रहा है। और वो जो एडेप्टिव गाइडलाइंस आती हैं वो यहाँ पे भी काम करती हैं और अच्छे से काम करती हैं। अब एक चीज़ इसमें मैं पीछे जाके आपको ये दिखाता हूँ कि लगभग कितने फीट की दूरी पर इसके जो सेंसर हैं वो काम करते हैं। व्यू तो आप देखिए कि जब लाइट उजाला अच्छा रहेगा तो व्यू काफ़ी अच्छा आता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया रहती है। आप देखिए, बहुत दूर तक आप बढ़िया तरीके से इसमें देख सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे नाइट होगी ना तो इसका व्यू ख़राब होता है। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और नाइट में आप खाली कैमरा या पार्क असिस्ट इसका चालू करके पीछे देखना चाह रहे हैं, गाड़ी खड़ी है तो आपको साफ नहीं दिखेगा। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि जो बैक साइड की लाइट है जब वहाँ पे पड़ेगी तब उसका उसकी विजिबिलिटी थोड़ा सा सही होती है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लास्ट फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ गाड़ी के पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सेंसर कितनी दूरी से काम करना शुरू कर देते हैं। और चलिए प्रैक्टिकली जानते हैं इसको कि इसके सेंसर कितनी दूरी से और कैसा काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग अभी मैं 4.5 फीट की दूरी पर खड़ा हूँ गाड़ी से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से समझ में आएगा। तो ये 4.5 फीट की लगभग दूरी पे मैं अभी गाड़ी से खड़ा हूँ और ये जो सेंसर है अभी काम नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, देखिए सेंसर बजने लग गया, आप सुनिए आवाज़। शायद आप सुन पा रहे होंगे। तो लगभग 3.5 फीट की दूरी से इसके सेंसर जो है ना ये काम करना शुरू कर देते हैं। एक सेंसर यहाँ पे है और दूसरा सेंसर यहाँ पे है। और लेकिन मैं और अगर आगे जाता हूँ, लगभग मैं ये देखिए और तेज़ साउंड आप सुनेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे भी रेड मार्क भी हो रहा है हल्का सा। शायद आप सुन पा रहे होंगे। तो लगभग 2.5 फीट की दूरी है गाड़ी और मेरे बीच में। अब वो बोल रहा है सेंसर के, आप बिल्कुल भी पीछे मत जाओ 2.5 फीट की दूरी पे। बीप आवाज़ हो रही है लेकिन कट कट के हो रही है, कंटिन्यू बीपिंग की आवाज़ नहीं हो रही है। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। अब मेरे और गाड़ी के बीच में लगभग 1.5 फीट का फासला है, आप देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। और अब गाड़ी मुझसे, अब गाड़ी के सेंसर ये कह रहे हैं कि भैया
आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना है। तो यानी कि 1.5 फीट में आपको ये बिल्कुल मना कर देता है कि आपको पीछे नहीं जाना है। तो जब कंटिन्यू बीपिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि अभी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और गाड़ी के बीच में लगभग 1 या 1.5 फीट का फासला है। तो यही चीज़ है, इसके सेंसर बहुत बढ़िया काम करते हैं, मैं आपको यही चीज़ बता रहा था। और बैक कैमरे का व्यू मैंने आपको दिखाया, तो यही चीज़ सब कुछ अप्लाई होगी नाइट में भी। और नाइट में इसके बैक कैमरे का व्यू कैसा आता है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, 6:22 हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्क असिस्ट इसका कैसा काम करता है। तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ये आ गया मैं पार्क असिस्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, पार्क असिस्ट जो है कि आपको बिल्कुल डिम कर दिया है उसने पीछे, क्योंकि कोई भी कैमरा हो, आप कैसी भी क्वालिटी का कैमरा यूज़ करें, यदि उजाला कम है तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिक गिर जाती है। अब मैं रिवर्स गियर में गाड़ी को डाल के दिखाता हूँ, जब थोड़ा सा गाड़ी के बैक साइड का उजाला होता है तो इस पर कितना फर्क पड़ता है। तो मैं गाड़ी को रिवर्स कर लेता हूँ। तो देखिए, ये मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला। अब आप देखिए, इसकी जो गाइडलाइंस है ना, आप क्लियरली देख सकते हैं, मीन्स जो इसमें लाइंस बनी हुई हैं ये आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो ये वाइट लाइट पड़ रही है, ये गाड़ी की लाइट पड़ रही है, और ये इनफ है कि पीछे का व्यू आपको दिखाने के लिए। सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि लाइट अगर कम पड़ रही है तो विजिबिलिटी किसी भी कैमरे की कम हो ही जाती है, और लाइट ठीक ठाक रहती है तो विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, और वही चीज़ इस कैमरे में भी आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो टाटा पंच के बैक कैमरा और सेंसर्स के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और आपको थोड़ी भी वैल्यू अगर ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।